जितिया व्रत एक खास पर्व है जिसे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत महिलाओं द्वारा अपने बच्चों की सुरक्षा, लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। जिन महिलाओं को संतान नहीं है वे भी यह व्रत कर सकती हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकती हैं कि उन्हें भी दीर्घायु संतान प्राप्त हो। इस साल जितिया व्रत 24 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं पूरे 24 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं और अपने पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की मंगल कामना करती हैं। यह व्रत वैसे तो अष्टमी को मनाया जाता है लेकिन इसकी शुरुआत सप्तमी तिथि से ही हो जाती है जिसे नहाय खाय कहा जाता है। व्रत का समापन नवमी तिथि को पारण के साथ होता है। चलिए अब जानते हैं जितिया व्रत की विधि। जितिया व्रत का उत्सव 3 दिनों का होता है। पहला दिन सप्तमी का नहाय खाय कहलाता है। नहाय खाय के दिन व्रती महिलाएं नहाने के बाद पूजा करके सतपुतिया, नौनी का साग और मरुआ, जिसे हम आज रागी के नाम से जानते हैं, उसकी रोटी खाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि नौनी का साग और सतपुतिया सूखी बंजर जमीन पर भी उत्पन्न हो जाता है। इससे यह आशय है कि उसी तरह उनकी संतानों की किसी भी परिस्थिति में रक्षा होती रहेगी। जबकि मिथिलांचल में मरुआ की रोटी के साथ मछली खाने की परंपरा है। जो शाकाहारी महिलाएं होती हैं वे मछली की जगह नौनी का साग खाती हैं और नहाय खाय के दिन ही शाम में उठघन बनाया जाता है। उठघन गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनाया हुआ मीठा होता है जिसे अष्टमी के दिन पूजा में रखा जाता है और फिर इसे अपने बेटे को खिलाया जाता है जिसके लिए आपने व्रत रखा होता है। उठघन हमेशा जोड़े से बनाया जाता है। जैसे यदि आपकी एक संतान है तो आप 2 उठघन बनाएंगे और यदि आपकी 2 संतान है तो आप 4 उठघन बनाएंगे। और नहाय खाय की रात को आप जो भी भोजन बनाते हैं वो थोड़ा सा 2 जगह अलग अलग निकाल कर रख दिया जाता है चील और सियारिन के लिए। और अष्टमी व्रत की शुरुआत से पहले आधी रात में चील और सियारिन के लिए निकाला गया भोजन छत पर या बालकनी में जाकर 2 अलग अलग दिशाओं में फेंका जाता है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी भी उन्हीं दिशाओं में फेंका जाता है। नहाय खाय के बाद जितिया व्रत शुरू होने से पहले दही खाना चाहिए। दही खाना शुभ माना जाता है। अष्टमी को निर्जला उपवास किया जाता है और शाम में जीमूतवाहन देव की पूजा की जाती है। अलग अलग जगह पर जीमूतवाहन की पूजा के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे जो लोग नदी, पोखर या जलाशय के किनारे रहते हैं वे कुश घास से जीमूतवाहन की प्रतिमा बनाकर उनका विधिवत पूजन करते हैं और यह पूजा बहुत सी माताएं एकत्रित होकर करती हैं। और यदि आप मेट्रो शहरों में रहते हैं तो ये सब कर पाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए जब आप अपने घर में जितिया की पूजा करें तो सबसे पहले एक साफ चौकी लगाएं। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और कलश स्थापना करें और भगवान विष्णु की फोटो रखें। और जो कलश आपने स्थापित किया उसके ऊपर जो जितिया आपने बनवाया है उसे कलश पर लपेट लें। जितिया एक सोने का आभूषण होता है जिसे लाल रंग के धागे में गुथवाया जाता है। और अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे जीमूतवाहन प्रभु, आप हमारे घर पर पधारें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। अब जीमूतवाहन देव की विधिवत पूजा करें, फल फूल प्रसाद चढ़ाएं और जो उठघन आपने सप्तमी को बनाए थे वो चढ़ाएं, फिर जितिया व्रत की कथा सुनें और फिर चील और सियारिन की भी कथा सुनें और आरती करें। और जो प्रसाद और उठघन आपने चढ़ाए हैं वो अपनी संतान को दें जिसके लिए आपने व्रत रखा है। ध्यान रहे कि उठघन आपने अपनी संतान के लिए बनाए थे उसे वही खाए। और जो जितिया कलश पर लपेटा है उसे निकाल कर सबसे पहले अपनी संतान के गले में पहनाए, फिर खुद पहन लें। फिर बाकी प्रसाद अपने परिवारजनों को बांटें, ब्राह्मण को भोज करवाएं, अगर ब्राह्मण घर पर भोजन न कर पाए तो उसके लिए सिधा निकाल दें। सिधा में आटा, अरवा चावल, अरहर, चने या मूंग की दाल रखी जाती है, हल्दी और नमक, जीरा, आलू और कुछ दक्षिणा रखी जाती है। दूसरे दिन नवमी को व्रत का पारण किया जाता है। पारण के दिन महिलाएं नहाने के बाद पूजा करके रात भर भीगे हुए हरे छोटे मटर के दाने, खीरे के बीज, नौनी का पत्ता, तुलसी का पत्ता और गंगाजल, इन सभी को एक साथ घोटना होता है। ध्यान रहे कि इन सभी चीजों को निगलना होता है, चबाना नहीं होता है। और इस तरह व्रत का पारण किया जाता है। जीमूतवाहन और चील और सियारिन की व्रत कथा आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं और नहाय खाय के दिन बनाई जाने वाली चीजों की रेसिपी भी आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं।